पिछले साल हमारे स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत का हुआ था भयानक कार एक्सीडेंट। उसके बाद उनको लगी थी बहुत ज्यादा चोट, तब से उनकी फिजियोथेरेपी और इलाज चल ही रहा है, लेकिन हाल ही में वो नजर आए स्विमिंग पूल में स्टिक के सहारे चलते हुए। क्या ये कोई थेरेपी है, क्या ये कोई फिजियोथेरेपी है, या फिर इलाज का कोई नया तरीका? बिल्कुल सही सुना आपने, इसे हम कहेंगे वाटर थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, या फिर हम इसे कहेंगे एक्वेटिक थेरेपी। ये एक्वेटिक थेरेपी होती क्या है? ये एक ऐसी थेरेपी है जो कि फिजिकल थेरेपी का एक फॉर्म है, जिसमें स्विमिंग पूल का जो पानी है उसका एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 83 डिग्री से 93 डिग्री फारेनहाइट तक। अब इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी रिलैक्स करती है, और ये उन पेशेंट्स को कराई जाती है थेरेपी जिनको मसल में और बोन्स में बहुत क्रॉनिक इंजरी होती है। जब हम स्विमिंग पूल में ऐसे भी जाते हैं तो हम महसूस करते हैं वाटर का दबाव, जो प्रेशर होता है वो कितना ज़्यादा होता है, तो इससे ये मसल को रिलैक्स करती है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाने में मदद करती है। तो एक तरीके की ये एक्सरसाइज है जिससे हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करती है, और ख़ास तौर से जिनको चोट लगी हुई हो बहुत ज़्यादा, उनके लिए तो ये वरदान की तरह है। क्योंकि इसमें पानी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है तो मसल्स जो हैं वो अच्छी तरीके से काम करने के लायक होती हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपको फीवर है, आपको नौजिया है, सर्दी जुकाम है, तो आपको हाइड्रोथेरेपी से बचने की ज़रूरत है। तो मसल्स को रिलैक्स करना हो, उनको स्ट्रेंथन करना हो, या फिर आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक फिजिकल फिटनेस की तैयारी करनी हो, तो हाइड्रोथेरेपी बहुत अच्छी है।